सिनोनिम्स का पार्ट वन से लेकर पार्ट फोर तक अपलोड हो चुका है। जिन्होंने चारों के चारों पार्ट्स नहीं देखे हैं और पहले ही पार्ट फाइव देखने आ गए, सबसे पहले जाओ पार्ट फोर तक देख कर आओ। 10-10 मिनट्स की वीडियोज हैं, कुछ ज्यादा लंबी भी नहीं है। तुम्हें सबसे पहले उनकी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ये जो वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं, तुम्हारी रिविजन इस वीडियो में तभी बेटर हो पाएगी जब पुरानी वीडियोज कवर करोगे। और मुझे बता देना सिनोनिम्स के बाद नेक्स्ट कौन सा टॉपिक चाहिए, कमेंट कर देना, उसकी वीडियोस आ जाएंगी। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, लास्ट 10 डेज रह गए और एक वीडियो अपलोड कर दिए लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी की, वो देख लेना। एंड साइंस एंड टेक की कंप्लीट वन शॉट में रिविजन भी करवाई है, वो वीडियो भी देख लेना, ऊपर आई बटन में लिंक कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वर्ड इज क्रूड। देखो 201st वर्ड पे हमें 600 वर्ड्स का टारगेट लेकर चलना है और इन्हें कंप्लीट करना है। देखो क्रूड वो होता है, जैसे तुमने सुना है ना क्रूड ऑयल, मतलब कि जो बिल्कुल रिफाइंड नहीं होता, कच्चा तेल जिसको बोलते हैं हम ना, उसको क्रूड बोलते हैं। ग्रम्बल, ग्रम्बल का मतलब यार वो बंदा जो बहुत ज़्यादा ना हर टाइम कंप्लेन करता रहता है, मतलब हर बात पे शिकायत करेगा, मतलब उसे कुछ पसंद ही नहीं आएगा। इज़ वेरी इल टेम्पर्ड, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा इल टेम्पर्ड है, उसको हर बात पे तकलीफ है, उसे हर बात पे कंप्लेन करना है, रोने की आदत है हर बात पर, तो उसे बोलते हैं ग्रम्बल। ग्लूमी मतलब बहुत ही डार्क सा, मतलब कि अंधेरे वाला, मतलब जिसमें लाइट नहीं है, बहुत मतलब ऐसा सा हो कि तुम जाओ ना, मतलब एक ऐसा अंधेरा सा रूम, ऐसे ग्लूमी सा, मतलब एकदम डिप्रेसिव सा माहौल हो उस रूम में, मतलब तुम जाओ तो एकदम दुखी हो जाओगे, सैड हो जाओगे। सो दैट इज़ ग्लूमी। स्पिरिटेड मतलब जो बहुत हाई एनर्जी में रहते हैं। देखो ये फिर से 3 बार रिपीट हो चुका है ऑलरेडी, अगर तुम्हें पता है तो, तुम पुरानी वीडियोज़ देख के आ रहे हो तो तुम देख रहे हो कि वर्ड्स बहुत रिपीट होते हैं। अब मैग्नीफिसेंट, ये भी रिपीट हो रहा है। मैग्नीफिसेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा शानदार, मतलब ग्रैंड जिसे हम बोलते हैं, ग्रेट। सो दैट इज़ मैग्नीफिसेंट। नेक्स्ट वर्ड है कल्मिनेशन। देखो कल्मिनेशन का मतलब एक ऐसा होता है जिसको तुम कह सकते हो कि बहुत ज़्यादा देर से इकट्ठा हो चुकी थी कोई चीज़ और एकदम से अब उसका एक्सप्लोजन हुआ, मतलब उसका एक ऐसा पॉइंट आ गया कि हाँ बस अब यू नो इट हैज़ क्रॉस द लिमिट्स, मतलब कल्मिनेट हुआ पड़ा था, मतलब भरा हुआ था, वो इकट्ठा हुआ था कोई चीज़ और अब वो अपने हाइएस्ट पॉइंट पीक पर चली गई है। सो दैट इज़ कल्मिनेशन, क्लाइमैक्स जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट है जीनियस। जीनियस मतलब एक ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा मतलब टैलेंटेड हो, जिसका अनयूजुअल था सा थोड़ा इंटेलेक्ट हो, मतलब काफ़ी ज़्यादा वो इंटेलिजेंट व्यक्ति हो। प्रूडेंट, देखो प्रूडेंट का मतलब होता है एक ऐसा बंदा जो बहुत ज़्यादा तुम बोल सकते हो बहुत ज़्यादा है ना समझदार टाइप के लोग होते हैं, बहुत अच्छी एडवाइस देंगे तुम्हें, बहुत अच्छे से तुम्हें गाइड करेंगे, मतलब सारी चीज़ें प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर सबको देख के चलने वाले लोग उन्हें प्रूडेंट कहेंगे। स्वॉप का मतलब होता है एक्सचेंज कर देना, मतलब जैसे फॉर एग्जांपल 2 नंबर्स हैं 1 और 3, इनको स्वॉप कर दो, एक्सचेंज कर दो, तो फर्स्ट प्लेस 3 आ जाएगा, सेकंड 1, मतलब एक्सचेंज करना। नेक्स्ट है रिगार्ड। रिगार्ड तो ऑब्वियसली बेस्ट विशेस देना, अपना सम्मान दिखाना, रिस्पेक्ट दिखाना, दैट इज़ रिगार्ड। नोवाइस का मतलब होता है जो बिल्कुल ही बिगनिंग लेवल पे हो, मतलब फ्रेशर जिसे हम बोलते हैं, जो जॉब पर मतलब किसी जॉब के लिए हायर हुआ है और वहाँ फ्रेशर है, उसने पहले कभी काम नहीं किया, इज़ इनएक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस गेन करने के लिए उसकी फर्स्ट जॉब है ये। नेक्स्ट है काउंटरफिट। काउंटरफिट का मतलब होता है कि बहुत ही नकली, फेक, मतलब जिसका बस उद्देश्य ही हो धोखा देना, उसे हम बोलते हैं काउंटरफीट। एब्सटेन, एब्सटेन का मतलब ये होता है कि जिसे तुम अपने आप को रोकते हो, मतलब कोई चीज़ इंजॉय करने से, मतलब तुम कुछ काम करना चाहते हो पर तुम अपने आप को रोकते हो, मतलब रिफ्रेन करते हो, ठीक है, यहाँ से तुम्हें रिफ्रेन का भी पता होना चाहिए। रिफ्रेन एंड एब्सटेन सेम होते हैं, मतलब अपने आप को रोकना कोई चीज़ करने से या फिर कुछ इंजॉय करने से। बैरन मतलब बंजर ज़मीन, जिस पर हम खेती नहीं कर सकते, जिस पर फसलें नहीं उगाई जा सकती। अगेन ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है वर्ड। इनएडवर्टेंट का मतलब होता है कि तुम करना नहीं चाहते थे बट तुमसे हो गया, मतलब गलती से किया गया कुछ काम, मतलब तुमने प्लान नहीं किया था बट जस्ट यू नो गलती से हो गया वो चीज़, अनइंटेंशनल था वो। नेक्स्ट है कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का ये मतलब होता है कि वैसे एक जनरल अग्रीमेंट पे आ जाना, कि 2 पार्टीज़ हैं, उन्होंने एक आपसी सहमति की कि हाँ हमें भी ये अग्रीड है, तुम्हें भी अग्रीड है, तो हाँ वो जो अग्रीमेंट हुआ होगा तुम्हारा वो कॉन्सेंसस होता है, ये भी रिपीट हुआ है। बाइफर्केटेड मतलब डिवाइड कर देना अलग अलग, मतलब कि 2 हिस्सों में बांट देना, या बाय का मतलब 2 होता है ना, तो 2 पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देना, दैट इज़ नोन एज बाइफर्केटेड। एफ्लुएंस का मतलब होता है जब बहुत ज़्यादा अमीर हो तुम, मतलब तुम्हारे पास पैसे हैं बहुत सारे, तुम यू नो यू आर वेरी वेल्दी, दैट इज़ एफ्लुएंस। और एफ्लुएंट भी मतलब जो जिस व्यक्ति में बहुत ज़्यादा पैसे हों, जो बहुत रिच हो, दैट इज़ एफ्लुएंट। पैरिलस, पैरिलस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा यू नो मतलब कि मुसीबत में पड़े हो ना, तुम बहुत ज़्यादा रिस्क ले रहे हो, तुम बहुत ज़्यादा खतरे में हो, डेंजर में हो, दैट इज़ पैरिलस।
सुपर सीड का मतलब होता है कि तुम्हें बस हटा देना चीज को, है ना, मतलब कि कोई चीज कहीं पर पड़ी थी पर तुम उसे कहीं और हटा कर रख देते हो, मतलब रिप्लेस कर देते हो, उसकी जगह कुछ और रख देते हो, ठीक है, सो दैट इज सुपर सीड। और इसका एक और आप देख लो सप्लेंट, सप्लेंट को भी यही कहते हैं, इसका सेम मीनिंग होता है रिप्लेस, ये सिनोनिम्स हो गए आपके, ठीक है। उसके बाद है हमारे पास एवर्जन, एवर्जन मतलब कि तुम किसी को बहुत पसंद नहीं करते, मतलब तुम उसको हेट की तरह देखते हो कि यार मैं इस बंदे को लाइक नहीं करता, मैं नहीं, मतलब यू नो मैं इसके साथ नहीं रह सकता या मैं इससे बात नहीं करूंगा क्योंकि आई डोंट लाइक हिम, सो दैट इज एवर्जन। सो ये वर्ड भी रिपीट हुए। डेस्परेशन, अगेन अब रिपीट हो रहे हैं वर्ड्स बट रिविजन हो रही है तुम्हारी, करते चलो, न्यू वर्ड्स अभी बहुत सारे आएंगे, ठीक है। डिस्पर्जन मतलब होपलेस, एकदम मतलब तुम्हें कुछ समझ ना आना, एकदम निराश हो जाना, मतलब कि एक ऐसी स्थिति में होना जहाँ तुम्हें कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या हो रहा है, दैट इज डेस्परेशन। एनिगमैटिक का मतलब ये होता है बहुत ज़्यादा यू नो पजलिंग सा हो, तुम मिस्टीरियस सा हो, एकदम तुम समझ नहीं पा रहे हो वो क्या है, एकदम उसमें कुछ मिस्ट्री है, उसमें कुछ पजलिंग है, तुम्हें कुछ डिफरेंट दिख रहा है उसमें, दैट इज एनिगमैटिक। फैबुलस में तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी काइंड ऑफ थिंग है ना, बहुत ज़्यादा चार्मिंग भव्य, दैट इज नोन एज फैबुलस। लिबर्टी मतलब तुम्हारी फ्रीडम, तुम्हारी आज़ादी। डेस्पोंडेंट का मतलब ये होता है कि तुम बहुत ज़्यादा अब थक हार चुके हो, तुमने हार मान ली है, मतलब बस अब मैं अब और नहीं करूँगा, तो मैं नहीं करूँगा, मुझसे मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, मैं अपना करेज लूज कर चुका हूँ, मुझ में अब और होप नहीं है कि मैं कुछ और करूँ, सो दैट इज डेस्पोंडेंट मतलब डिजेक्टेड। जुबिलेंट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा खुशी होना, मतलब तुम बहुत यू नो यू आर वेरी इन हाई स्पिरिटेड थिंग, मतलब तुम बहुत ज़्यादा खुश हो, तुम्हें बहुत बड़ी विक्ट्री मिली है, ट्रायम्फ का मतलब विक्ट्री होता है, एंड एस्टैटिक इसका जुबिलेंट, ठीक है, इसका सिनोनिम याद रखना है तुम्हें। रेक्टिफाई मतलब ठीक कर देना, किसी गलती को सुधार देना, रेक्टिफाई कर देना, दैट इज मतलब उसको करेक्ट कर देना। ट्रॉमा मतलब कोई ऐसी सिचुएशन तुम्हारे साथ हो जाना है कि एक एक्सपीरियंस हो जाए कि तुम बहुत ज़्यादा शॉक में चले गए हो, तुम बहुत ज़्यादा इमोशनली वीक हो गए और वेरी मच यू नो इन टू डिस्पेयर, सो दैट इज ट्रॉमा। ब्लिस्टर का मतलब होता है वो जो तुम कहते हो तुम्हारी स्किन पर छाले हो जाते हैं ना, दैट इज ब्लिस्टर, वूंड जिसे हम बोलते हैं, सो दैट इज ब्लिस्टर। उसके बाद है एट्रोसिटी, एट्रोसिटी का मतलब होता है एक ऐसा काम करना कि मतलब तुम किसी को बहुत हर्ट कर रहे हो, मतलब तुम उसे चोट पहुंचा रहे हो, एफ्रॉन्ट कर रहे हो, तुम उसे बहुत ज़्यादा एक ऐसा एक्टिविटी कर रहे हो जैसे फिजिकली उसे हार्म हो रही है, इंजरी हो रही है सामने वाले को, दैट इज एट्रोसिटी। उसके बाद है टीडियस, टीडियस मतलब कि बहुत ज़्यादा जो टाइम ले, मतलब वो चीज़ बहुत ज़्यादा बोरिंग हो जाए तुम्हारे लिए, मतलब हेक्टिक सी हो जाए, बोरिंग हो जाए, डल हो जाए, स्लो हो जाए, लॉन्ग हो जाए, दैट इज टीडियस, मतलब कि तुम अब इसमें और इंटरेस्ट नहीं रखते हो इस चीज़ को करने के लिए, फिर भी तुम कर रहे हो, सो दैट इज टीडियस। पॉसिटी का मतलब होता है किसी चीज़ की कमी हो जाना, मतलब कि तुम्हारे पास फॉर एग्जाम्पल फंड्स की कमी हो जाए किसी दिन, तो तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारे पास पॉसिटी की सिचुएशन आ गई, शॉर्टेज हो गया, या फिर किसी दिन पानी नहीं आ रहा, पानी की शॉर्टेज हो गई, दैट इज़ पॉसिटी। पैसिफाई का मतलब होता है काम डाउन कर देना किसी चीज़ को, मतलब कि जैसे तुम बहुत ज़्यादा गुस्से में हो तो तुम शांत करवा रहे हो अपने आप को, है ना, तुम्हें लोग आकर शांत कर रहे हैं, दैट इज़ तुम्हें पैसिफाई कर रहे हो, तुम्हें काम डाउन कर रहे हैं। फोर्टिफाई का मतलब ये होता है कि एकदम यू नो जैसे ताकत बनना, जैसे हम बोलते ताकत बनना है ना, एक ऐसी चीज़ जो तुम्हारी स्ट्रेंथ बने, मजबूत करे, दैट इज़ फोर्टिफाई। डिस्पैरिटी का मतलब होता है कि कुछ डिफरेंस होना, बहुत मतलब कि कोई चीज़ें हैं उनको तुम कंपेयर करो, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस होना, सेम ना होना, दैट इज़ डिस्पैरिटी। पेस्टर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा इरीटेट करना, मतलब कि इतना मतलब छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे कई बार क्या करते हैं, बहुत इरिटेट कर देते हैं, बहुत अनॉय कर देते हैं, ट्रबल करते हैं, मतलब तुम्हें बार बार सेम चीज़ बोल बोल कर कि मम्मा मुझे तो ये खिलौना चाहिए, मुझे तो ये टॉय चाहिए, है ना, ऐसे इसको तुम याद रख सकते हो, दैट इज़ पेस्टर मतलब अनॉय करना। उसके बाद है ट्रिमिंग, ट्रिमिंग मतलब छोटा छोटा काट देना, जैसे बालों को छोटा छोटा काट देते हैं, दैट इज ट्रिमिंग। राइवल्ड का मतलब होता है कि तुम्हारा मतलब कॉम्पिटिटर जिसे बोलते हैं, तुम्हारा राइवल, तुम्हारे साथ कम्पीट करे, फॉर एग्जाम्पल तुम एक रेस लगा रहे हो, उसमें तुम्हारा जो कॉम्पिटिटर है वो तुम्हारा राइवल है, तुम्हारा कॉम्पिटिटर है वो तुम्हारा मतलब तुम्हारे साथ कम्पीट कर रहा है, तुम्हारे साथ उसी भाग उसी कॉम्पिटिशन में पार्ट ले रहा है, सो दैट इज योर राइवल। सेवियर का मतलब जो तुम्हारी जान बचाए, मतलब कि तुम्हारा रक्षक टाइप का हो, प्रोटेक्ट करे तुम्हें चीज़ों से या फिर लोगों से, दैट इज सेवियर। डेफर का मतलब होता है कि टाल देना किसी चीज़ को, आज फॉर एग्जाम्पल हमारी एक मीटिंग थी बट हमने उसको डेफर कर दिया, हमने उसको टाल दिया कि अभी एक मीटिंग कल होगी, सो दैट इज डेफर। डेलीबरेट अभी हमने किया था, डेलीबरेट मतलब जानबूझ के करना, मतलब मैं तो तुम्हें तंग करूंगी तो हाँ मैं डेलीबरेटली तंग करूंगी, मैं जानबूझ के तंग करूंगी, मैं अपना बदला लूंगी, दैट इज डेलीबरेट। डेमोन्स्ट्रेट मतलब शो करना, ऐसे मतलब कि
गाइड करना है ना, जैसे प्रूफ देना कि हाँ ये देखो, जैसे अभी मैं तुझे डेमोन्स्ट्रेट कर रही हूँ सिनोनिम्स को, है ना, मैं तुम्हें गाइड कर रही हूँ, तुम्हें दिखा रही हूँ, तुम्हें शो कर रही हूँ कि कैसे पढ़ा जाता है. डेयरिंग, सो डेयरिंग का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा यू नो रिस्क ले सकता हो, बहुत ज़्यादा उसमें हिम्मत हो, बहुत बड़े बड़े बोल्ड डिसीजंस लेने की, दैट इज़ डेयरिंग. ऑटोक्रेटिक का वो होता है जो बहुत, जिसको बोलते हैं ना हिटलर टाइप डिक्टेटरशिप, उसको ही बोलते हैं ऑटोक्रेटिक, मतलब कि जिसके पास खुद के पास सारी पावर हो, एंड दैट इज़ डिक्टेटरशिप एंड दैट इज़ ऑटोक्रेटिक. डर्थ का मतलब होता है कमी हो जाना, एकदम अकाल पड़ जाना. अकाल ही पड़ गया सीधा कि भूख प्यास कमी सब कुछ हो गया, पानी की कमी, खाना नहीं है, दैट इज़ डर्थ, दैट इज़ स्कार्सिटी, ठीक है, कमी होगी. इनसेंसिटिव मतलब कि कोई फीलिंग्स ही ना हो, इमोशनलेस होना, मतलब कैलस होना, जिसको वर्ड को याद रखो, कैलस, इनसेंसिटिव मतलब कोई फीलिंग नहीं दिखानी होती, यू हैव नो कंसर्न. सर्क्यूटस, इसका मतलब होता है कि मतलब जैसे किसी चीज़ को हम सीधे कह सकते हैं, पर कभी कभी हम बात को जलेबी की तरह घुमाकर बात करते हैं ना, दैट इज़ मतलब जितना डायरेक्ट तुम बोल सकते हो तुम वैसे नहीं बोल रहे हो, तुम उसको बात को घुमा घुमा कर बोल रहे हो, दैट इज़ सर्क्यूटस. शाइन्स मतलब कि बहुत ब्राइट सी लाइट देना, ऑब्वियसली शाइन सनशाइन करता है, सिंपल. बॉइस्टरस, बॉइस्टरस का मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा, जैसे तुम बोलते हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जी वाला चीज़ होना, मतलब कि बहुत उससे वाइब ऐसी आना कि एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है, बहुत ज़्यादा चेयरफुल है, मतलब कि एकदम से तुम्हें हिला के रख देगा, दैट इज़ बॉइस्टरस. सो यहाँ पर हमने देखो अगले 50 सिनोनिम्स भी कवर कर लिए. सब्सक्राइब कर दो चैनल को, आगे वीडियोस अभी मैं लाऊंगी, सिनोनिम्स तो हम कवर करेंगे, उसके बाद एंटोनिम्स का प्लान है, इडियम्स फ्रेजेस हैं, मुझे बता दो आपको क्या क्या चाहिए तो हम सब कुछ कवर कर लेंगे. एंड वीडियोज़ देखते रहो, कितनी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बना के रखी है, मैथ्स एंड रीजनिंग की सारी वीडियोज़ आपको देखनी चाहिए, साइंस एंड टेक की कंप्लीट रिविजन बनाई है, उसके बाद तुम्हें बताया है लास्ट 10 डेज की स्ट्रैटेजी के बारे में, इंग्लिश की इतनी सारी वीडियोज़ तुम्हारे पास पड़ी हैं, PYQs हम सॉल्व कर रहे हैं, सो गो एंड वॉच देम. जनरल साइंस की इतनी वीडियोज़ हैं, इतने इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो तुम कवर नहीं कर पाओगे, किताब से पढ़ने लग जाओगे, 30-30 मिनट की वीडियोज़ हैं, जाकर देख लो. सो या दैट इज़ ऑल, एंड आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय.